मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। छतरपुर में बामनोरा में धसाना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से 59 लोग फंस गए थे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने इन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। दामों में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि अशोक नगर में महज 2.5 घंटे में 5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं भारी बारिश को देखते हुए सिवनी के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत से ही बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिम पूर्व और उत्तरी हिस्से में झमाझम बारिश हो रही है। दामोह में लोगों को बचाने के लिए नाव तक चलानी पड़ी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें शामिल है शिवपुरी, श्योपुर, पन्ना, दामोह, कटनी, मंडला, सिवनी, ग्वालियर, दतिया, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, आगर, मालवा, राजगढ़, निवाटी, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, बालाघाट। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जो 25 जुलाई से कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक हल्की व मध्यम बारिश होगी। 28 जुलाई के बाद फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। 28 जुलाई को पूर्वी हिस्से और 29 व 30 जुलाई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तेज बरसात होगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार लोगों को सावधान रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।